आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जमानिया थाना समाधान दिवस पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न। गाजीपुर के जमानिया कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान फरियादियों द्वारा भूमि विवाद समस्या समाधान कराने के लिए प्रार्थना प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह को तत्काल मौके पर भेजकर निस्तारण के लिए निर्देशित किया। फरियादियों की समस्या सुनने के बाद महिला हेल्प डेस्क कक्ष पहुंचकर महिलाओं से संबंधित पड़े आवेदन पर जानकारी ली। मौजूद रजिस्टर को देखा, परंतु कंप्यूटर में अंकित नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फौरन दुरुस्त करने के लिए डांट फटकार लगाते हुए कार्यालय पहुंचकर मुकदमा रजिस्टर का मुआयना किया और कमियों को दूर करने की हिदायत दी। इसके साथ निर्माण चल रही आवासों का निरीक्षण किया। इसके साथ सीओ कार्यालय पहुंचकर निर्माणाधीन नए भवन का शिलापट का अपने हाथों से अनावरण किया। इस अवसर पर सीओ हितेंद्र कृष्ण, एसडीएम शैलेंद्र प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह, अनिल कुमार पांडे, संतोष कुमार, मंजर अब्बास आदि पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। आज थाना समाधान दिवस के अवसर पे मैं यहाँ पे आया था, तो इसी के दौरान इस थाने का भ्रमण भी किया गया, क्षेत्राधिकारी कार्यालय का भी भ्रमण किया गया। तो जो कुछ कमियां थी, जैसे महिला हेल्प डेस्क में कुछ प्रारूपों में जो एंट्री होनी चाहिए, एंट्री सब हो रही है लेकिन रजिस्टर में हो रही है, जो निर्दिष्ट प्रारूप में होना चाहिए था उसमें नहीं था, उसको मेरे द्वारा बताया गया है, उसको कंप्लीट कराने के लिए कहे गए हैं। और जो सीएम हेल्पलाइन के आईजीएलएस के पेंडिंग एप्लीकेशन हैं, 11 एप्लीकेशन्स हैं, उनको टाइमली निस्तारित करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। इस थाना परिसर में बाउंड्री का अभाव है, जो मेरे द्वारा बताया गया है कि क्षेत्राधिकारी एक प्रपोजल सोमवार को बाउंड्री वाल का भेजे, जिसको शासन भेजा जाएगा और शीघ्र ही इसमें पैसे की जो स्वीकृति है लेकर के शासन द्वारा इस पर बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा जो निर्माणाधीन विवेचक कक्ष है उसका भ्रमण किया गया, और जो निर्माणाधीन बैरक है उसका भ्रमण किया गया। उस संदर्भ में मेरे द्वारा जो उसके ठेकेदार हैं उनको सोमवार को बुला करके जो कमियाँ हैं उसको उनको बताई जाएंगी उसमें, ताकि वो पूर्ण करें। और मैं समझता हूँ कि जब इन दोनों भवनों का निर्माण हो जाएगा तो इस परिसर में रहने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनको एक सुविधा होगी और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज थाना समाधान दिवस के अवसर पर जो प्रकरण आए हैं उस पर मेरे द्वारा निर्देश किया गया है कि संयुक्त टीमें मौके पर जाएं और उसका वास्तविक निस्तारण आज ही करें, जिसकी मेरे द्वारा बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी। थाना समाधान दिवस के अवसर पर मेरे द्वारा यह भी निर्देश किया गया कि प्रत्येक थाना दिवस के आने से पूर्व जितने जमीन संबंधी प्रकरण आए उनको थाना दिवस के एक दिन पहले थाना प्रभारी समस्त पक्षकारों को सूचित कर दें कि कल राजस्व की टीम और पुलिस की टीम एक साथ एकत्रित होगी और आप लोग थाने पर आएं, आपके मामले का निस्तारण किया जाएगा। यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो जमीन संबंधी जितने विवाद हैं उनकी शीघ्र निस्तारण में सहायता होगी।